नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, कैसे मेरे दोस्त, स्वागत है आपका हमारा जीएच केयर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैनल है वो केवल हेल्थ को लेकर के प्रतिदिन एक वीडियो देता है। सो प्लीज, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो। चिकन पॉक्स के का नाम सुना है आपने? बिल्कुल। आखिर क्यों चिकन पॉक्स को माता कहते हैं, क्यों घबराते हैं? धार्मिक के साथ जाने आज साइंटिस्ट, ये विज्ञान आखिर क्या कहता है चिकन पॉक्स के बारे में? हाँ, चिकन पॉक्स को खासकर शीतला माता से जोड़ा जाता है। शीतला माता को माँ दुर्गा का रूप जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है इस बीमारी को माता क्यों कहते हैं, जबकि इसका असल नाम जो है चिकन पॉक्स है, जो साइंटिफिक नेम है। असल में इससे एक पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। विज्ञान के लिहाज से यह एक नॉर्मल बीमारी है, जिसमें कुछ दवाइयां लेकर इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग घरेलू इलाज करके बीमारी को ठीक करते आ रहे हैं। चिकन पॉक्स को खासकर शीतला माता से जोड़ा इसलिए जाता है, शीतला माता को माँ दुर्गा का रूप जाना जाता है। ऐसा कहते हैं उनकी पूजा करने से चेचक, फोड़े, फुंसी और घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दरअसल शीतला का अर्थ होता है ठंडक। चिकन पॉक्स होने पर बॉडी में काफी जलन होती है और उस वक्त सिर्फ बॉडी को ठंडक चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से माता खुश हो जाती है, जिससे मरीज की बॉडी को ठंडक पहुंचती है। दरअसल 90 के दशक तक चिकन पॉक्स के इंजेक्शन मौजूद नहीं थे, इस कारण इन बीमारियों के कुछ घरेलू उपाय जो है, जो बूढ़े, जो हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने बताए, हमारे पूर्वज, जिसे भगवान से जोड़ दिया जाता है। दरअसल इस बीमारी के इलाज के लिए किसी तरह की दवाई नहीं है, इसीलिए इसमें सिर्फ आराम करने के लिए कुछ एंटीवायरल दवाइयां ही दी जाती हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों को घर के बाहर रखा जाता है, जी हाँ, जिससे कीड़े मकोड़े घर में नहीं आए। भारत में मंकी पॉक्स की सैंपल की जांच के वक्त खतरनाक वायरस कहे जाने वाले चिकन पॉक्स के नए वेरिएंट की पहचान की गई है। अभी आइए जानते हैं इस वायरस के हमले के बाद शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स की बीमारी भारत में कभी बहुत तेजी से फैली थी। खतरे की खबर यह है, हाल ही में वैज्ञानिकों को इस जानलेवा चिकन पॉक्स का नया वेरिएंट भारत में मिला है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक लैब में मंकी पॉक्स के सस्पेक्ट मरीज के सैंपल की जांच के वक्त चिकन पॉक्स के इस वेरिएंट की पहचान की गई है। चिकन पॉक्स के इस वेरिएंट को FLAD9 कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वेरिकेला जोस्टर वायरस के जरिए फैलने वाली यह बीमारी भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में फैल चुकी है। चिकन पॉक्स का यह नया वेरिएंट जब से भारत में मिला है, तब से हेल्थ एक्सपर्ट जो है इसे लेकर बचाव और इलाज को लेकर सजग रहने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिकन पॉक्स का वायरस खांसने और छींकने से भी फैलता है। ऐसे में लोग संक्रमित मरीजों के संपर्क में आकर भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो दूसरे को भी, जब वो ठीक होता है तो दूसरे को भी हो जाता है, आपने देखा होगा। इसका मतलब है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो चिकन पॉक्स जो पीड़ित व्यक्ति है, उनके खांसने से और छींकने से भी ये फैलता है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि चिकन पॉक्स के नए वेरिएंट यानी कि CLAD9 के लक्षण क्या होते हैं। चिकन पॉक्स वायरस इस नए वेरिएंट यानी कि CLAD9 के संपर्क में आने के बाद तुरंत बीमारी के लक्षण तो नहीं दिखते हैं। मरीज के शरीर में चिकन पॉक्स के लक्षण दिखने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। पहले शरीर, खासतौर पर छाती और चेहरे पर दाने दिखने लगते हैं। इसके बाद पूरे शरीर पर दाने और चकते दिखाई देने लगते हैं। ये दाने छोटे छोटे पानी से भरे होते हैं और इनमें खुजली भी होती है। इससे पहले मरीज को बुखार आता है। इस दौरान शरीर में दर्द और सिर में दर्द होने की शिकायत अक्सर देखी जाती है। मरीज की भूख कम हो जाती है और हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत बिना देर किए डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए। चिकन पॉक्स वेरिएंट CLAD9 से कैसे बचाव करना है, आइए जानते हैं। इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, आपको टीकाकरण होना चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई बरतना चाहिए। भोजन करने और बनाने से पहले हाथों को जरूर धोएं।
खांसते और छींकते वक्त अपने आप को ढक लें। शरीर में इसके लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है और शरीर में पानी की कमी तो होने ही नहीं देना है, खूब पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आई होप दोस्तों वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए लोगों को शेयर करो वीडियो। तब तक हमारे वीडियोस में बने रहिए, मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ भी रहो। जय हिंद, जय भारत।